और पवन चाचा से कभी पर्सनली भेंट मुलाकात नहीं जान कहिले लगे आरा सहरिया जरिया चांद के जरिया नीरन गोर बारू हो। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो गांव समाज के लिए कुछ करे अभी तो। नमस्कार प्रणाम, मैं सतीश सरकार, आप सभी ने देखना चालू कर दिया है हंगामा जंक्शन। तो आज मैं मौजूद हूँ जोकहरी गांव में, जो कि भोजपुरी के पावर स्टार का गांव कहा जाता है, और यहीं से पावर स्टार आज पावर स्टार की पोजिशन तक पहुँच पाए हैं। लेकिन आज हम लोग मौजूद हैं एक ऐसे कलाकार के पास जो कि जोकहरी गांव के ही हैं, लेकिन किसी भी सपोर्ट ना मिलने के कारण अभी तक इनका जो गाना है उस तरीके से वायरल नहीं हुआ है। जी हाँ, मौजूद है अभी टाइगर पासवान जी के पास, जो कि जोकहरी गांव के हैं। हारमोनियम पे गाना बजाते हुए आज के नए कलाकारों को आपने बहुत ही कम देखा होगा, लेकिन आज हम इनके माध्यम से आपको सुनवाएंगे, हारमोनियम पे गाना भी बजवाएंगे, और पावर स्टार पवन सिंह का भी गाना बेखूबी बहुत बढ़िया से गाते हैं। सबसे पहले स्वागत है, क्या कुछ कहिएगा दर्शकों? सबसे पहले हमने के हंगामा जंक्शन के माध्यम से जी भी देवता सबके पैर छू के प्रणाम करते नहीं। अब बहुत खुशी की बात बाकी भैया हमने के आज भी घर चल के आयल बनी, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, पवन सिंह का ये गांव है, यहाँ से मतलब कि भोजपुरी के पावर स्टार जो कि भोजपुरी में आज राज कर रहे हैं, यहाँ से उनका कनेक्शन है, जन्म यहीं पे उनका हुआ, यहीं से कनेक्शन है, लेकिन आप भी यहीं के हैं, तो उनके तरफ से कोई मदद मिला कि नहीं मिला? अभी तक देखिए कोई मदद इसलिए नहीं मिला है कि अभी उनसे कभी मुलाकात भेंट बात नहीं हुआ है। वैसे उनके घर के चाचा जी जानते हैं, अजीत बाबा जानते हैं कि हम गाते हैं, वो बुलाते भी हैं, कार्यक्रम होता है तो मंदिर पे, काली माता के मंदिर है वहाँ पर जाते हैं, गीत गोने होता है। और पवन चाचा से कभी पर्सनली भेंट मुलाकात नहीं हुआ है, इसलिए सपोर्ट नहीं मिला है अभी तक। अच्छा, गायकी की बात भी होगी और आपसे गाना भी सुना जाएगा, लेकिन एक बात सबसे पहले पूछना चाहेंगे, भोजपुरी के पावर स्टार हैं, पूरा दुनिया में उनका गाना बजता है, पूरा बिहार यूपी सब जगह झाड़ के उनका गाना बजता है, लेकिन अपने गांव के लिए वो ऐसा कुछ किए हैं जो कि मतलब हर गांव वाला कुछ नाम उमले? देखिए उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो गांव समाज के लिए कुछ करे अभी तो खुद अपने मतलब उनके पास टाइम नहीं है कि गांव समाज के लिए कुछ करें। अभी क्या करिएगा, अभी गांव में अब तो मंदिर उंदिर बनवाए हैं, बाकी कुछ विशेष कुछ खास नहीं किए हैं, तो वो करेंगे ऐसा बात नहीं है। वो भी लगे हैं कुछ बड़ा टारगेट के चक्कर में होंगे कि चलो ये अगर हमारा टारगेट पूरा होगा तो हम गाँव के लिए कुछ करेंगे, ऐसा भी हो सकता है, और जरूर ना जरूर कुछ करवे करेंगे। तो एक बात बताइए, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कब से गायकी कर रहे हैं? अभी 2023 चल रहा है, हम 3 साल हो गया हमारा इस लाइन में, मतलब स्ट्रगल करते सीखते भी हैं। नहीं, सीखते भी है, पहले सीखते थे, हारमोनियम वर्मोनियम जाते थे सरैया सीखने के लिए, जितने भी जवार के लोग सीखते हैं हमसे सीनियर लोग सब जाते थे रियाज वोज करने के लिए, तो दिन रात मेहनत करके सीखे हैं, सीखते हैं, आज भी सीखते हैं। अच्छा, हम चाहेंगे कि आपका एक गाना हो जाए हारमोनियम के माध्यम से, क्योंकि आजकल बहुत कम लोगों को देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारा नया जो कलाकार लोग है वो तो कहते हैं कि हम सरस्वती माता की देन है कि हम गाते हैं उनको, जबकि अच्छे से हारमोनियम बजाना भी नहीं आता, लेकिन आप हारमोनियम लेके बैठे हुए हैं, तो चाहेंगे कि एक गाना हो ही जाए? जरूर। सूरज के घाम ना होला, बिना तरैन के चांद ना होला, बिना सूरज के घाम ना होला, प्रेम भल ही पुरान हो जाले बाकी, घिघोरिया चांद के अधूरिया
नियन गोर बारू हो गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बारू हो तुहार जोर केहू नहीं खो तू बेजोर बारू हो तुहार जोर केहू नहीं खो बेजोर बारू हो। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया से हारमोनियम बजाते हुए जो गायकी इन्होंने किया, बहुत ही अच्छा लगा सुन के भी। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और भी इनसे बहुत सारी बातें होनी है। यहाँ से पवन सिंह का घर कितना दूर है? बस 50 से 60 मीटर होगा घर के, मतलब आपके घर से 60 मीटर की दूरी पे है। हाँ, लगभग नजदीक पड़ेगा। और उससे बताइए, 60 मीटर की दूरी पे ही इनका घर है, लेकिन इनको अभी तक उस तरीके का सहायता उनसे नहीं मिला, जो कि आपके गांव का लड़का है, गाना अच्छा गाते हैं, चाहेंगे कि थोड़ा सा हेल्प करके इनको थोड़ा सा सपोर्ट करें। तो और क्या कुछ कहिएगा, क्या कहेंगे? हम ही इंडस्ट्री में जिस तरीके से लोग बोलता है, वादा करता है कि हम अपने जो भी जूनियर कलाकार हैं या फिर जो नए कलाकार हैं उनको सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट देखी बाई चांस कोई ऐसा होला कि सपोर्ट करला, हालांकि सपोर्ट सब कोई सब क्योंकि ना करला, जेकरा जो चीज अच्छा लगे सपोर्ट कर ला। आपको अभी तक किसी ने सपोर्ट नहीं किया? नहीं, अब तक किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया है, जो भी आज कर रहे हैं बस अपने बल बदौलत। क्योंकि कुछ समय पहले 15 अगस्त था ना जी, तो उस समय आपको देखा गया था कि बक्सर के बिजिंदर भैया जो है वहाँ पे उनको देखा, आपको देखा गया था, वहाँ से आप गाना हारमोनियम का बजाते हुए वायरल हुए थे जी। तो हम लोग वो सॉन्ग किए थे 15 अगस्त पे, तो मुकुल भैया गाए थे, तो उसमें काम किए थे, बट वो हमारा पर्सनल चीज नहीं था। और अपना भी कुछ गाना निकला हुआ जो कि हारमोनियम पे आप बजा सकते हैं जी, कहे ना बजाइए तो एक गाना। एक हमारा आरा पर गाना को रिलीज हुई है। हर किले के निशानी है गुयार से प्यार से जाला बुलेट को बुखार से थार से लेके निशानी है गुयार से प्यार से जाला बुलेट को बुखार से थार से लड़की देखी देखी होली सब आवारी आए जान तब लड़का कलम था जब गमछी से बांधिला पगड़ी आए जान तहिले लगे आरा सहरी आए जान जब काटा खोसी घूमिला कमरिया ए जान तहिले लगे पता ना सहरी आए जान। गाना हमार रिलीज भइ रहे तो आरा पर वाली गाना गमछी पर, ये भी गाना वहीं से रिलीज हुआ था ना? ये गाना हम आरा कालिका से गौले रहे। अच्छा, और एक गाना आपका वीडियो में काफी तेजी से कहीं देखा गया था, वायरल हो रहा था, जो पवन सिंह का गाना है, वो काफी अच्छे तरीके से आप गा रहे थे, चाहेंगे कि वो भी एक गाना हो जाए, क्योंकि लोग सुनेंगे और फिर तब ना सोचेंगे कि ना भाई अच्छा गाते हैं कलाकार, इनको आगे बढ़ने देना चाहिए या फिर इनका गाना सुनना चाहिए। समझिया लगावल बहुत बात हो नजरिया चुरावल बहुत बात हो नजरिया चुरावल बहुत बात हो। गाना उनका फेवरेट है और हमारा भी फेवरेट है बहुत, उनका ऐसा ऐसा गाना है बहुत अच्छा लगता है, उनका बहुत पुराना एक गाना हमको बहुत अच्छा लगता है, वो खेती किसानी पर गाना था पहले, बहुत लोग अच्छा लगते हैं वही सब गाना को सुनकर हम लोग आज सीखते हैं उनके। कान्हे बन दुखिया हजरा कान्हे बन दुखिया कान्हे बन दुखिया हजरा छेला जवान रे बबल मासी पहिया मोरा देवरा किसान रे बबल मासी पहिया मोरा देवरा किसान काहे बन दुखिया हरवा काहे बन दुखिया काहे बन दुखिया हरवा छेला जवान रे बबल मासी पहिया मोरा देवरा किसान रे बबल मासी पहिया मोरा देवरा किसान।
तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि इन्होंने दो तीन तरह के गाने सुनाए, आप भी ने देखा, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके ये बताइएगा कि जो ये टाइगर पासवान जी हैं किस तरीके से गाना गा रहे हैं, आपको सुनने में कैसा लग रहा है, क्योंकि नए कलाकार को हमेशा ही सपोर्ट करना चाहिए। आज का दौर है कि लोग केवल कहते हैं, बड़े जो सुपरस्टार होते हैं वो केवल कहते हैं कि हम नए कलाकारों को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आए दिन देखा गया है कि नए कलाकार जैसे ही ऊपर उठते हैं उनको दबाने की कोशिश की जाती है। तो टाइगर पासवान का गाना आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा, और जितने भी लोग हैं जो सुपरस्टार बने हुए हैं या फिर अभी भी कुछ ऐसे अहदे पर बैठ गए हैं जो कि किसी का हेल्प कर सकते हैं तो उनको हेल्प करना चाहिए और ऐसे नए कलाकारों को आगे जाने का मौका देना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।